देखिए 6 नंबर में क्या आ रहा है ना कि 0.99 का पावर 10 का मान 4 शुद्ध दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। इसको 4 शुद्ध दशमलव स्थान तक ज्ञात करना, तो अभी जो फॉर्मूला देखते हैं वही लगाएंगे यहाँ भी। इसको ऐसे 1 माइनस 0.01 का पावर 10 लिख दीजिए। अच्छा चलिए, हमने 4 शुद्ध दशमलव तक निकाला है ना, तो हम लोग इसके 4 पद लेंगे ना, तो काम हो जाना है आपको। ठीक है, देखते हैं 1 माइनस 10C1 इंटू में 0.01, ठीक है, प्लस 10C2 हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, माइनस 10C3 हो जाएगा यहाँ पे 0.01 का पावर 3, यही ना होगा। चलिए यहाँ हो जाएगा ये 10C1 का तो 10 आ जाएगा, और इंटू में आपका यही 0.01 प्लस 10C2 को सॉल्व करिएगा ना, तो आपका 45 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका 45 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी कि गुना में हो जाएगा 0.0001, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा ना। माइनस 10C3 का सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 120, करके देख लीजिएगा 120 आएगा, तो 120। अच्छा, और इसका करिएगा तो ये हो जाएगा 0.000001, 6 अंक होना चाहिए ना, 6 अंक हो जा रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 माइनस इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.1, चलिए प्लस इसमें इससे गुना करिए तो ये हो जाएगा 0.0045, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 0.00012, है ना, गुणा करने पे यही आएगा आपका। अब प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए, माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, तो 1 में इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.0045, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद आपको 4 ही अंक लेना है इसमें, ठीक है, तो इसको छोड़ देना होगा, ठीक है, ऐसे तो फिलहाल इसमें जोड़ दीजिए लेकिन छोड़ देंगे यहाँ पे, आपको पॉइंट के बाद 4 ही अंक लेना है ना, तो इसको आप हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं हटेगा, ठीक है, पॉइंट के बाद, क्योंकि ना शुद्ध 4 दशमलव मान तक लेना, तो 4 अंक और ये जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका 0. क्या जाएगा 1001, ठीक है, इस 2 को छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 ही अंक लेना है, शुद्ध दशमलव का ना कि 4 दशमलव अंक तक निकालना है। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.9044, ये आपका शुद्ध दशमलव मान इसका आ जाएगा। में आप 10 पद तक नहीं गए हैं, ये सारे पद नहीं निकाले हैं, क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि आपको 4 शुद्ध दशमलव मान तक ही लेना, क्योंकि अब जैसे जितना आगे बढ़ते जाएगा और छोटा छोटा अंक होता जाएगा ना, इसीलिए ऐसे नहीं किए हैं क्वेश्चन।